हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है, यह है ताशम जादुन, यह ताशम जादुन नाम का एक सब्सक्राइबर है। उन्होंने पूछा है, भाई 100 सीसी की बाइक है, उनमें से ऑयल क्यों निकलता है और जो साइलेंसर है उसमें से ऑयल क्यों बाहर निकल, जो साइलेंसर धुआं निकलता है वो साइलेंसर से क्यों ऑयल निकलता है और ऑयल की मात्रा कम क्यों होती है। ऐसे उन्होंने दो बातें पूछे। 100 सीसी की बाइक है उनकी और साइलेंसर से ऑयल निकलता है और दूसरी बात बोला है ऑयल की मात्रा कम हो जाती है, यानी ऑयल कम हो जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ऑयल लीकेज होने का अलग अलग कारण है। जैसे साइलेंसर से धुआं बाहर आना चाहिए, लेकिन धुएं के साथ साथ अभी ऑयल भी बाहर आ रहा है ना, हम लोग उंगली डाल के देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा है साइलेंसर से ऑयल बाहर आ रहा है। तो ऑयल बाहर निकलने का अलग अलग कारण है। अभी ऑयल कभी होगा बाहर, जब कहीं ना कहीं जगह पर लीकेज होगा तो आ जाएगा। और जो साइलेंसर से जो ऑयल बाहर आता है, ये कौन सा ऑयल आता है, जो हमारा इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल, उसमें से कई मात्रा बिना जले बाहर निकलता है। उस समय इंजन में क्या होता है, पिकअप कॉइल होता है, ये क्या काम करता है, स्पार्किंग का काम करता है। स्पार्किंग करने के बाद इंजन स्टार्ट हो जाती है। तो इंजन स्टार्ट होने के बाद जो हमारा फ्यूल एयर का मिक्सचर होके स्पार्किंग होके हमारा क्या होता है, बाइक स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो इंजन के अंदर अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, लीकेज होगा, तो आधा जला हुआ या कुछ नहीं जला हुआ ऐसा इंजन ऑयल बाहर फेंका जाता है, वही ऑयल हम लोग को साइलेंसर में दिखाई देता है। ये ज्यादा करके व्हाइट या ब्लूइश कलर का हो सकता है, लेकिन ऑयल भी निकल सकता है। तो इसके अलग अलग कारण देखते हैं। जैसे बाय चांस अभी आपकी बाइक चलती है, उस समय जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे आपका जो आरपीएम होगा उसके अनुसार उतना स्पीड में ऊपर नीचे पिस्टन होते रहते हैं। तो पिस्टन ऊपर नीचे होता है, उसमें क्या होता है, प्रेशर बनते रहता है। प्रेशर ज्यादा बढ़े, बाय चांस कहीं पे भी अगर टूटा फूटा है, घिसा हुआ अगर स्पेयर पार्ट्स होगा इंजन के अंदर की बात कर रहा हूँ, अगर होगा कुछ घिसा हुआ, तो उसमें से क्या होगा, इंजन ऑयल थोड़ा लीकेज होके बाहर निकलते रहेगा। जब प्रेशर बनते रहेगा तो उस समय क्या होता है, जो एयर फ्यूल यानी पेट्रोल जलता है तो उसके साथ में इंजन भी बाहर आ जाता है, और कुछ इंजन पेट्रोल के साथ जलता है जिससे हमें व्हाइट या ब्लूइश कलर का धुआं दिखाई देता है, और कुछ इंजन ऑयल है ना वो बिना जले बाहर निकलता है हेड से, तो उस समय भी हमें साइलेंसर से बाद में उसको बाहर फेंका दिया जाता है, तो साइलेंसर से बाहर आ जाता है। इस समय आपका जो स्पार्क प्लग है वो काला हुएला आपको दिखाई देगा। अगर स्पार्क प्लग निकल के आप वहां पे थोड़ा सूंघेंगे, फिर भी थोड़ा आधा जला हुआ आपको बास आती रहेगी, है ना, ये भी मतलब आपको पता चलेगा। तो जैसे हम लोग कारण देखते, जैसे यहाँ पर इंजन होता है, ये इंजन है 100 सीसी की उनकी बाइक है, ये इंजन है, इंजन, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हेड है ना, हेड है, साइलेंसर है। तो इसमें क्या होता है, हेड और साइलेंसर के बीच में जो गैस्केट होता है, ये भी अगर खराब हुआ रहेगा, ये वाला दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने वाला गैस्केट, ये खराब होगा फिर भी आपका इंजन ऑयल का लीकेज होना जरूरी है, ये मतलब है। और दूसरी बात क्या, जो वाल होता है इंजन के अंदर, वाल होती है, वाल अलग अलग प्रकार का वाल होता है, वाल गाइड होता है वो भी होता है, उसमें भी फर्क हो सकता है, वो भी अगर घिसा हुआ रहेगा, टूटा फीटा भी होगा, बाइक ज्यादा करके आपकी पुरानी हो सकती है, नई बाइक में तुरंत ये प्रॉब्लम नहीं आता, पुरानी बाइक हो सकती है। अगर कुछ घिसा हुआ रहेगा, फूटा बिटा होगा वॉल के अंदर, तो वॉल का काम है जो भी प्रेशर बनते रहेगा, जो भी हेड गर्म होगा है ना वो ठंडा होना चाहिए। अगर वो ठीक से अगर काम नहीं करता है, ठीक से अगर काम नहीं करता तो फिर भी क्या होगा, जो लीकेज हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है जो पिस्टन ऊपर नीचे होते रहता है आरपीएम के हिसाब से, तो उस समय का जो प्रेशर बनता है तो उसमें क्या होगा, आपका जो फ्यूल के साथ साथ इंजन ऑयल की भी मात्रा वहां पे चली जाती रहेगी, और आधी जली हुई या पूरी नहीं जली हुई ऐसे इंजन ऑयल की जो मात्रा है वो साइलेंसर के इधर से एग्जॉस्ट होने का काम करता है, यानी इंजन काम कर रहा है, इसके लिए आपको साइलेंसर में इंजन ऑयल आया ऐसा दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है इंजन के अंदर जो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स है उसमें अगर गड़बड़ी होगी, ठीक से अगर उसका
फ्रिक्शन तो हो रहा है, लेकिन ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से, ज्यादा पुरानी बाइक होने की वजह से जो भी वॉल है वो ठीक से प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता है, या जो भी गैस्केट है वहाँ पे भी अगर लीकेज हुआ रहेगा तो वहां से भी इंजन ऑयल निकल सकता है, और एक कारण हो सकता है। बाई चांस अभी 100 cc की बाइक है, यानी अंदाजा 97 cc की बाइक है, तो हम लोग 100 cc करके उसको पहचानते हैं। अभी इसमें कितना इंजन ऑयल चाहिए, तो 900 ml 900 चाहिए, लेकिन अभी बहुत से जन क्या करते हैं, 100 cc की बाइक सोचकर 1 लीटर का भी इंजन ऑयल डालते हैं। अगर और भी इंजन ऑयल आप डालते हैं फिर भी प्रॉब्लम आ सकता है। आपको कितना 900 ml चाहिए, यानी 100 ml अगर आप ज्यादा डालते और डालते हैं तो इसमें क्या आएगा, प्रेशर बनते रहेगा, जो और इंजन ऑयल है उसको फेंका दिया जाएगा, क्योंकि उतनी जो मात्रा होती है वो पकड़ नहीं पाते, ज्यादा इंजन ऑयल और हो गया तो उसको भी फेंकने का काम होगा। तो इस तरह भी इंजन ऑयल साइलेंसर से बाहर आते हुए दिखाई देगा। दोस्तों अलग अलग कारण है, जैसे मैंने अभी बताया कि 900 ml का 100 cc में इंजन ऑयल हम लोग को डलवाना चाहिए, लेकिन अगर कोई कोई बहुत से जन मैंने देखा है 1 लीटर का इंजन ऑयल डालते हैं। और दूसरी बात, आपने कौन से प्रकार का इंजन ऑयल डाला है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और कितना वो चिपचिपा रहा है क्या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, ज्यादा फ्लो होने वाला है या कैसा है, गाढ़ा है उसको भी देखना, यानी अलग अलग कारण है। लेकिन मेन कारण क्या होता है, इंजन के जो स्पेयर पार्ट्स होता है उसमें अगर घिसाई ज्यादा हो गई, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो कुछ टूटा फीटा होगा, वॉल भी टूटा फीटा होगा, तो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता है, जब पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो उस समय क्या होता है, इंजन ऑयल है वो थोड़ा लीकेज हो जाता है, बाहर आता है, हेड के अंदर भी आ सकता है। यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कहीं से तो लीकेज हो रहा है क्या, यहाँ पर देखना पड़ेगा कहीं पे लीकेज होता है क्या, इसको भी देखना पड़ेगा। ये जो पैकेट है यहाँ पे भी आप लोग टैपिड है, यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा ये सही मात्रा में फिटिंग है या नहीं, उसको भी है। टोटल इंजन का जो स्पेयर पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से टूटा फिटा होगा, ये भी बात है। और एक दूसरी बात है, जो पिस्टन की जो रिंग होती है, रिंग भी अगर बाई चांस टूटी होगी, रिंग होती है ना, टूटी होगी तो वैसे भी इंजन ऑयल है वो लीकेज हो सकता है, इंजन ऑयल लीकेज होके फिर वो हेड में आ सकता है, पिस्टन के बाद हेड में आ सकता है, और जो आधा जला या कुछ भी नहीं जला तो साइलेंसर से एग्जॉस्ट किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, तो इससे भी यानी जैसे मैंने बताने की कोशिश की अलग अलग टाइप होते, लेकिन मेन कारण क्या, इंजन के अंदर कुछ न कुछ स्पेयर पार्ट्स है वो घिसा होएगा, ज्यादा लीकेज हुआ रहेगा इंजन ऑयल, ये मेन कारण है, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। इसके वजह से साइलेंसर से इंजन ऑयल आ जाता है, जो व्हाइट या ब्लूइश कलर का धुआं फेंक दिया जाता है। आपको स्पार्क प्लग को भी देखना पड़ेगा, स्पार्क प्लग से आप पहचान सकते हैं, काला जल्दी जल्दी होता रहेगा, यानी उनके जो एक ही कमेंट में जो पहला बात पूछा है उसका ये कारण है, स्पेयर पार्ट्स में कुछ न कुछ स्पेयर पार्ट्स घिसा हुआ रहेगा या टूटा हुआ रहेगा, कुछ भी हो सकता है ना, जैसे वॉल हो सकता है, पिस्टन रिंग हो सकती है, या कभी कभी हेड और जो इनमें गैप हो सकता है, गैसेट में गैप हो सकता है, इंजन ऑयल आधा जलता होगा, या कभी कभी आपकी सर्विस मेंटेनेंस का भी ख्याल ज्यादा नहीं रखते होंगे, कम होता रहेगा सर्विसिंग, तो ये मतलब होता है इंजन ऑयल का क्वालिटी कितना है ना, ये भी उसमें देखना पड़ेगा, ऐसे अलग अलग कारणों की वजह से होता है। यानी मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ, आप हर संडे सर्विसिंग करो, ऊपर से भले से अंदर से नहीं गए, ऊपर साफ सुथरा बाइक को रखने की कोशिश करो, ये प्रॉब्लम ज्यादा करके नहीं आएगा। और बाइक चलाते समय आहिस्ता यानी अंदाजा के हिसाब, जो गियर है उसके हिसाब से आपको चलाना चाहिए, अगर आप बाइक को घिसते यानी ज्यादा भगाने की कोशिश करते तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर सही मात्रा में अगर आप गियर को चेंज नहीं करते तो क्लच अगर बराबर अच्छा ऑपरेट नहीं करते क्लच, तो आपका जो गियर बराबर सेटिंग नहीं होगा, जो क्रैंक शाफ्ट है और जो गियर बॉक्स है उसमें बराबर सेटिंग न होने के लिए, पैक न होने की वजह से आवाज आएगा, इसमें भी कुछ न कुछ गलती हो सकता है। ऐसे अलग अलग कारण, मेन कारण है इंजन के अंदर के स्पेयर पार्ट्स, इसका घिसना या टूटा फीटा, ये मेन कारण जिसके वजह से ये काम होता है, तो इसको अलग अलग से देखना पड़ा, एक ही कारण है, अलग अलग कारण है। अभी उनका दूसरा बात देखते हैं, एक ही कमेंट में बात किया, दूसरा उनका इंजन ऑयल जल्दी खत्म हो जाता है, ये मतलब है, तो सोचने वाली बात है, जब आपका साइलेंसर से इंजन ऑयल बाहर निकलता है, तो इंजन ऑयल भरा है टैंक में तो साइलेंसर से बाहर निकल रहा है, इसका अंदर उसकी मात्रा कम होने वाली है ना। जब भी आप इंजन ऑयल का जो टैप होता है उसको निकालो, कैप को घुमा के निकालो, टैप जो देखो उसका लेवल देखो,
इंजन ऑयल का लेवल देखो, वो आपको कम हुएगा दिखेगा। अगर कम होते हैं तो उसको टॉप अप कर दो। टॉप अप का मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ, एक लीटर का समझो आप लोगों ने डब्बा ले लिया, आपने 900 ml डालना है, 100 ml रखना है। वैसे अगर ऐसा होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा उसको टॉप अप करना पड़ेगा, हमेशा देखना पड़ेगा। लेकिन ये ज्यादा दिन तक ना रहा देखे, इसमें ज्यादा खराब होने का चांसेस होता है बाइक के इंजन के अंदर, और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, बड़ा काम निकलेगा। तो तुरंत आपको एक एक पार्ट्स को चेक करना पड़ेगा मिस्त्री के पास जाके, अगर आपको नहीं पता है तो, और उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा इलाज नहीं है, ये नहीं मतलब। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंजन ऑयल का क्वालिटी थोड़ा देखना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करके देखना पड़ेगा, फिर भी ऐसे होता है, और ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कहाँ से लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। बाइक को भगाने की कोशिश ना करें, इसको पहला देखना, बाद में स्पेयर पार्ट्स को देखने की कोशिश करें। दोस्तों इस यानी जैसे दूसरा का मैं थोड़ा सा बात कहना पूछा बाकी रह गया, आपका जो इंजन ऑयल का लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब जो साइलेंसर से इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है, आपने जो उतना ही भरा 900 ml या 1 लीटर भरा होगा तो वो कम हो रहा है बोले तो वो कम बता ही देगा, इसके लिए जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, ये मतलब है। तो दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के वीडियो के माध्यम से हमेशा लेके आते रहता। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।